हो बोले थे ना कि वादे के मुताबिक हम पहुंच चुके हैं, कि जो वादा किया सो निभाना पड़ेगा, आगे तो पार्टू का वीडियो लाना पड़ेगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एकदम मजेदार होने वाला है। आप जिसको रटने में भी परेशान है ना, हम आपको रटने भी नहीं देंगे रे बाबा, समझे कि नहीं। इधर आइए स्टार्ट मारते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। पहला फॉर्मूला आपको क्या लिखा है बाबू, एक बार ध्यान से देखेंगे कि डी बाय डी एक्स साइन एक्स, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डी साइन एक्स बाय डी एक्स, मतलब साइन एक्स का डी सी कहा होता है, तो कोई पूछेगा करना कॉस एक्स। देखिए आपको यहां तक फिजिक्स के सर भी पढ़ाते होंगे, नो डाउट फिजिक्स वाले सर को आगे की कंटेंट का कोई जरूरत नहीं है इसलिए नहीं बताते हैं, लेकिन मैथ में इसका जरूरत पड़ता है कि एक्स इज इन रेडियन। तो अगर आपके सर बताए तो अच्छी बात है, और नहीं बताए तब भी अच्छी बात है, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है, तो जितना जरूरत था उसके अकॉर्डिंग काम चल रहा है। दूसरा आ रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान देंगे, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। अब जरा कॉस एक्स का डी सी क्या होता है, ये कहता हम जानते हैं सर जी क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। चलिए लिख देते हैं, कोई बात नहीं, इस सब में सेम रहेगा, एक्स इज इन रेडियन, एक्स आपका रेडियन में रहेगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। तीसरा यहाँ पे लिखा है डी बाई डी एक्स टेन एक्स, प्यारे बच्चों टेन एक्स का डी सी होता है कौन चित्र में बोला होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ओके सही बोला, तो टेन एक्स का डी सी सेक स्क्वायर एक्स, एक्स इज इन रेडियन, सब में सेम टू सेम। अब आप सोच रहे होंगे सर जी एक बात पूछे, कोनो मीनस दे रहे कोनो मीनस नहीं दे रहे, तो उनको जादू देंगे उसको याद रखने का, जादू जानते हैं जादू, वही लेके आएंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पहले डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, अब कितना बच्चे के मन में कंफ्यूजन है ये होता कैसे है, तो आपको उसी लिए हम बताएं कि आप कुछ नहीं करेंगे, एक बार एरे मैथमेटिक्स ज्वाइन कीजिए, उनकी ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास, एक नया फीचर जो अपडेट किया गया है हिंदी में, तो इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश मीडियम नहीं होता इंग्लिश मीडियम होता है, ये कहता है हिंदू मीडियम करे, अरे हिंदी मीडियम करे, समझे कि नहीं। तो चलिए हिंदी विथ इंग्लिश मीडियम दोनों में दिया जाता है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा क्लास में, ऑफलाइन क्लास भी आपको मिल जा रहा है, ऑनलाइन क्लास भी आपको एरे मैथमेटिक्स के प्ले स्टोर के एप्लीकेशन मिलता है, जिसके लिए आपको हमने बोला था कि यहाँ देखिए इसी तरह का एरे मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन, आप खाली सर्च करिएगा ना, ए डबल आर ए वाई, उन्हें से माथे में टिक लेके फट से पहुंच जाएगा, समझे कि नहीं। चलिए कॉट एक्स का कितना प्यारे बच्चों, ये कहता हम जानते हैं माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये तो सेम है। पचवा डी बाय डी एक्स सेक एक्स, अब प्यारे बच्चों सेक एक्स का आप जानते हैं sec x into tan x, अंत भला तो ये कहता सब भोला है रे भोला, इधर देखिए एक बार d by dx cosec x, cosec x का प्यारे बच्चों हो जाता है माइनस cosec x into cot x। अब आपका दिमाग में कंफ्यूजन चल गया होगा, सर जी एगो छोड़ के एगो माइनस याद रखेंगे, लेकिन एग्जाम में कैसे याद रखेंगे, उसके लिए जादू सुनिए जादू, जो जो सी से स्टार्ट हो रहा है उसमें माइनस लगाएंगे, ई जादू देखिए ना, कॉस सी से स्टार्ट हो रहा है त्या माइनस, कॉट सी से स्टार्ट हो रहा है त्या माइनस, कॉसेक सी से स्टार्ट हो रहा है त्या माइनस, बाकी सब में माइनस नहीं है, क्लियर है बच्चों। तो ये रहा आपका एक छोटा छोटा क्लिप, इसलिए बना रहे हैं कि आप लोग आजकल ना जमाना रील्स का दीवाना है, हम कहे काहे ना हम भी रील्स में ले आते हैं मैथमेटिक्स, हम तुमको पढ़िए कर छोड़ेंगे, समझे कि नहीं। तो जरा इसको फटाफट उतारिए, एगो बात बोलवे किए थे अपने बोलेंगे, जाते हम जाते जाते बाय बाय बोल देते हैं, लेकिन एक बार कृपया करके आप अपने बायोलॉजी केमिस्ट्री जो भी स्टूडेंट हैं उसे शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो उनके तक पहुंच के उनको भी फायदा हो जाए, और कम से कम उसे याद रखने में शॉर्टकट ट्रिक आसान हो, एग्जाम में मजा आए, क्योंकि हम आपने आपको पहले बोले ये डीसी और कुछ जितना भी अभी आपके लिए हम छोटा छोटा क्लिप लेके आ रहे हैं मजेदार वाला, ये सब बायोलॉजी स्टूडेंट के साथ साथ मैथ वाला को मैथ फिजिक्स दोनों में, बायोलॉजी वाला को फिजिक्स में भी, और दिमाग टनाटन रहेगा मैथो फिजिक्सो क्लास में, इन्हें कहेगा सर जी फिजिक्स भारी लग रहा है, एकदम कहेगा हुल्का लग रहा है, समझे कि नहीं। तो चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए, हम पार्ट थ्री के लिए जल्दी मिलते हैं इसी चैनल पर, एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं, तब तक के लिए बाय बाय।